ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੱਟ ਬਣਿਆ ਨਵਾਬ। ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸਰਦੀਆਂ ਮੇਂ ਮਤਲਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਹੈ ਨਾ। ਅਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਯੰਕਰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੂੰ ਰਣਵੀਰ ਬਰਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਣਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਸਾਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਅਟਲੀਸਟ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਨੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਹਮ ਬਚਪਨ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਆਏ, ਦਾਦੀ ਜੈਸੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਕਾਇਦੇ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਘੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਨੀਚੇ ਚੂਲ੍ਹੇ ਕੀ ਆਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਬਣਾ ਲੇਂਗੇ। ਰੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ। तो भाई सरसों के साग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है साग की क्वालिटी। यूँ कह लीजिए कि सरसों का साग कभी भी कायदे से साग के पत्ते का नहीं बनता, सरसों के पत्ते से बने हुए साग को सरसों का साग नहीं कहते। सरसों का साग बनता है गंदलों से। गंदल मतलब जो बड होता है ना, बड, जहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक पत्ते होते हैं, वो बड तोड़ के उसका साग बनाया जाता है। उसका भी कारण है, और कारण ये है कि पुराने टाइम में लोग ये नहीं जानते थे कि सरसों बहुत ऊंची उगे, तो सरसों को एक लेवल पे रखने के लिए। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ, हिसाब बताएंगे। ये जो गंदलों का साग है ना, एक बड़ी ही अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। गंदल मतलब टर्मिनल बड, यानी कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे पत्तियाँ बननी शुरू होती हैं वो हिस्सा। तो पहले क्या होता था कि पड़ोसी जो है वो अपने पड़ोसियों के पास जाते थे और बोलते थे, अरे आपने बहुत दिनों से सरसों का साग नहीं बनाया, हमारे खेत से गंदलें तोड़िए और सरसों का साग बनाइए। और उसका कारण ये होता था कि जब आप गंदल तोड़ते हैं, टर्मिनल बड तोड़ते हैं, तो पौधा जो है वो साइड की तरफ बढ़ता है, और जब पौधा साइड की तरफ बढ़ता है तो उसमें फूल और सरसों के बीज ज़्यादा उगते हैं, यानी कि आपकी फसल जो है वो बढ़ जाती है। तो बहुत पुरानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, मतलब पौधे को आपने लिया, उसके बाद टर्मिनल बड़ तोड़ा, साग का साग और फसल भी बढ़ गई। बताइए कौन कहता है कि देने से नहीं मिलता, मिलता है ना। तो जी बाकी सारे काम छोड़ दिए, पहले सरसों के साग को समझना बहुत ज़रूरी है कि है क्या ये गंदल। गंदल गंदल रणवीर करता रहता है, तो गंदल जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। गंदल जो है वो एक दो तीन, तीन पत्ती का वो खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जो अपर टिप होता है, जिससे सरसों का साग हमेशा बनता है। यानी कि अगर मुझे कोई भी एक, मान लीजिए जैसे मैंने ये लिया है ना, तो अब इसमें एक दो तीन, गांव में साग सिर्फ इन एक दो तीन पत्ती का बनेगा, नीचे की डंडी तोड़ दी जाएगी और साग सिर्फ इसका बने। असल टेस्ट जो है वो गंदलों का है, पत्तियों का नहीं। तो नीचे की जो पत्ती होती है ना, वो एक्चुअली गाय भैंसों को खिला दी जाती है, उसका साग नहीं बनता। अब जैसे ये, अब आपको इसमें से अगर गंदल निकालनी है तो ये पत्ती बेकार है, ये पत्ती बेकार है, गाय भैंसे खाएंगी, इंसान नहीं खाएंगे। और ये एक दो तीन, ये तीन पत्तियों की गंदल, ये सॉफ्ट स्टेम तोड़ दी और साग इसका बनेगा। असल सरसों का साग इस गंदल का बनता है। तो हर बार जब आप जाते हैं और बहुत सारी पत्तियां इकट्ठी लेके आते हैं, क्योंकि आपने पालक का साग पत्ती से बनता हुआ देखा है, तो याद रखिएगा रणवीर ने बताया था कि अच्छा साग गंदलों का बनता है, वरना आप कुछ भी बना देंगे सरसों का साग कैसे नहीं बनेगा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। देखिए पत्तियां जो है ना, उनमें कड़वाहट होती है, लेकिन गंदलों में मिठास होती है।
तो गंदल और पत्ती का बैलेंस बहुत जरूरी है, और सरसों की जो डंडी है वो कभी नहीं फेंकनी, उसको बारीक बारीक काट के हमेशा साग में डालना है। पंजाब होवे। डन। अब इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोलिए का साग। ये जरा ध्यान से देख लीजिए, हरा चना जो होता है ना, ये हरे चने का साग है, हरे चने के पत्ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सरसों के साग में खटास जो है वो यहाँ से आती है, और ये खटास ऐसी होती है कि समय के साथ और मधुर होती जाती है। मतलब चने का जो पत्ता है खटास के लिए, उसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा है। पकने के बाद जो खट्टा होगा ना, अगर रेशियो अनुपात की बात करें तो कम से कम नहीं तो 6 से 8 हिस्से सरसों के पत्तों के, नहीं सरसों के, साथ में 1 हिस्सा चुलई और 1.5 हिस्सा छोलिए का साग। छोलिए का साग यानी हरे चने के पत्ते, ठीक है ना जी। इसके बाद ये चुलई, बहुत सारे लोग पालक डालते हैं सरसों के साग में, मैं तो कभी नहीं डालता जी। देखिए मेरे हिसाब से पालक जो है वो सरसों को नरम कर देती है। सरसों के अंदर एक पंजेंसी होनी ज़रूरी है, एक शार्पनेस होनी ज़रूरी है, और पालक उसको डाइल्यूट कर देती है। जैसे चने का पत्ता उसमें हल्की सी खटास देता है, वैसे ही उसमें जो चुलई का पत्ता है, ये चुलई का पत्ता उसमें एक एस्ट्रिंजेंसी देता है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि मेथी जैसी कड़वाहट देता है। तो हर पत्ते का अपना एक पर्पज़ है, पालक का सिर्फ एक पर्पज़ है, वॉल्यूम बढ़ाना, मतलब क्वांटिटी बढ़ाना। तो सरसों का साग बना रहे हैं तो पालक नहीं पड़ेगी, और ना बनाने जाएंगे सरसों का साग, बन जाएगा पालक सरसों का साग, टेस्ट आएगा नहीं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तो जी कुल मिला के क्या डाला, कुल मिला के डाली सरसों, पानी, आ हा हा, और वो खुशबू शुरू हो गई आनी। अब सबसे जरूरी शलगम, टर्निप, सरसों के साग का जो छुपा रुस्तम है ना वो ये शलगम है, क्योंकि शलगम और सरसों की दोस्ती जो है ना वो बिल्कुल ऐसे, शलगम जब पकेगा तो मीठा होगा लेकिन अपनी पंजेंसी नहीं छोड़ेगा, वो एक हल्की सी जो शलगम की पंजेंसी होती है ना वो ये डिसाइड करती है कि आपका साग कितना अच्छा बनेगा। बहुत सारे लोग मिठास के लिए गुड़ डालते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा शलगम ढूंढ लो। अगर 2 किलो साग है पकने से पहले, तो 2 किलो साग में आप ये समझ लीजिए कि पहले जब डालेंगे तो ये इतना सा अदरक बहुत है, यानी कि इतने से साग में इतना अदरक जो है, इतना भी नहीं, रुकिए, इतना अदरक बहुत, पर अदरक मोटा कटा हुआ, और मोटा कटा होने का कारण ये है कि लॉन्ग कुकिंग जब होती है ना तो आप चाहते हैं कि अदरक धीरे धीरे अपना जायका छोड़े। अगर बारीक काट के डाल दिया तो सारा अदरक अपना जायका छोड़ देगा, और जब तक साग पकेगा तो रह जाएगी सिर्फ कड़वाहट। एनी टाइम कभी भी आप लंबी कुकिंग कर रहे हैं, व्हेन यू डूइंग लॉन्ग कुकिंग, टेक थिकर कट्स सो दैट द फ्लेवर्स रिलीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपना फ्लेवर वो छोड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें जो है ना, अदरक और लहसुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साग के पकने में, और लहसुन भी ज्यादा नहीं, मुझे समझ लीजिए कि ये दो कली, यहाँ पे 2 छोटी हैं तो 3 कली डाल रहा हूँ मैं। हाँ 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 भाई, नज़ारा ही आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बटर, बटर जो है वो 2 काम करेगा, एक तो जैसे जैसे साग उबलता रहेगा उसको भूनता रहेगा, एक तरफ बटर भून रहा है, पानी उबाल रहा है, और दूसरा
व्हाइट बटर साग को हल्की सी खटास देगा। अब एक मिर्च के चार हिस्से करके इसको भी डाल देता हूं। एंड चलो सब हो गया, सब हो गया, मगर नमक रह गया। बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च डालूंगा मैं, बिल्कुल नाम भर की, और बिल्कुल चीटिंग के लिए, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी सी हल्दी। हल्दी क्यों? रंग उभारने के लिए। नमक रह गया भाई। आजकल लोग फार्म टू टेबल बात करते हैं ना हम लोग, शहरी कुक्स और अर्बन फार्मर्स, ये क्या है फार्म टू टेबल? क्या है भाई? हम कहते हैं फार्म टू टेबल। अगर सरसों के साग की बात करें तो ये टिपिकल फार्मर्स फूड। सरसों का साग कभी महलों में सेलिब्रेट नहीं होगा, ये महाराजा रंजीत सिंह के कोर्ट्स की डिश नहीं, ये लाहौर की डिश नहीं, ये रॉयल पंजाब की डिश नहीं, ये है आम किसान की डिश। आम किसान सरसों के खेत में जाता था, सरसों के खेत के किनारे वाट होती थी, वाट पे मूली शलगम ये सब कुछ लगा होता था, क्योंकि वाट के बीच से पानी जाता था ना, तो शलगम और मूली सबसे जल्दी बड़े होते हैं बिकॉज पानी जाता है वाट के बीच से। तो किसान क्या करता था कि पहले सरसों तोड़ता था, फिर वाट से तीन चार शलगम तोड़ लेता था, और वहीं पर अदरक लहसुन पड़ा होता था लेके, और उसको एक साथ डाल देता था, और उसके बाद पकने देता था, और बाद में शाम को या अगले दिन दोपहर में खेतों में वो लेके चला जाता था और खा लेता था। तो ये है असली फार्म टू टेबल, है ना। बाकी कोशिश नाइस। स्टीम बात हो गई भाई। अगर ये गांव में घर में बन रहा होता तो मिट्टी का घड़ा होता, वो पंजाबी कहते हैं ना तौड़ी, तौड़ी हुंदी साग हुंदा, आह ते मंजे उत्ते बैठा जट बनया नवाब हुंदा। लेकिन जो भी है वक्त दें, गिव इट इनफ टाइम। कोई जल्दी नहीं है। ऐसी चीज़ जो है वैसे भी जब बनती है तो अगले दिन खाई जाती है। साग जब बनाए उसके बाद उसको छोड़ दें, बाहर ठंडा होने दें, उसके बाद फ्रिज में रखें, अगले दिन खाएं। कम से कम 12 से 14 घंटे जब साग रहेगा ना तब उसमें टेस्ट आएगा। तभी बनाया, तभी खा लिया, सारे फ्लेवर्स रचेंगे, मिक्स होंगे, तब उसका जायका आएगा। हाँ देखिए, घोट घोट के मेहनत करके अब इसका टेक्सचर हो गया चेंज, हो गया ना क्रीमीनेस आ गई ना। अब करते हैं तड़के की तैयारी। तड़के में सबसे जरूरी जो करे मां ना प्यो, वो करे देसी घ्यो। बिल्कुल 1/8 टीस्पून जीरा। देखिए सरसों की बातें बहुत होंगी बिकॉज सरसों बहुत जगह इस्तेमाल होगी, इसलिए सरसों की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। बस ये ज़रूर बताऊँगा कि भाई मोटा मोटी ये जो फैमिली है इसमें तीन किस्म के बीज होते हैं। पहली होती है राई, यानी कि डार्केस्ट ब्राउन छोटे बीज, उसके बाद ब्राउन सरसों जिसे कि हम ज़्यादातर सरसों भी कहते हैं, उसके बाद तोरिया। और ये जो ब्राउन सरसों है ना बीच वाली बड़े वाले स्लाइटली लाइट ब्राउन रेडिश ब्राउन जो बीज हैं वो हमारे, वो यूँ कहा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी भारत में उसकी शुरुआत हुई और वहाँ से पूरी दुनिया में फैले। तो सरसों के तेल का इस्तेमाल प्राचीन भारत में बड़े समय से होता था, सरसों के पत्तों का इस्तेमाल बड़े समय से होता था, और हाँ उसको एलिवेट शायद पंजाब ने किया, लेकिन साग का जो कल्चर है खेत में जो उग रहा है हरा उसको एक मटके में डाल के पकाने का कल्चर, वो हिंदुस्तान में बहुत बहुत समय से। सरसों की बात आगे डिटेल में होगी जब बंगाल से कुछ सरसों के साथ बनेगा। तो ये है जी बिल्कुल दिल सा देहाती, देहात का असल सरसों वाला साग, साड़ी दादी दी रेसिपी।